चलिए सर ध्यान दीजिएगा मैं चालीस परसेंट का लेता हूं पहले एक बार समझा दूं चालीस परसेंट ई दस वन माइनस में रिटेंशन रेशो रिटेंशन रेशो कितना है सर मैं ले रहा हूं चालीस पे तो ये हो जाएगा हमारा वन माइनस में पे आउट रेशो पे आउट रेशो चालीस है मीन्स जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट फोर तो 0.4 अगर इसमें से माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय डिवाइड किससे करेंगे हम सर केई केई क्या है हमारा 0.1 और माइनस में बी आर बी क्या है हमारा ये वाला जो निकाला है हमने दैट इज हमारा बी तो ये आ जाएगा वन माइनस में जीरो पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो एट एक बार मल्टीप्लाई करिए इसको ये आ जाएगा सिक्स इसमें से माइनस करिए पॉइंट सिक्स क्या आ गया जीरो पॉइंट एक मिनट ऊपर इसको सॉल्व करिए पहले ऊपर चार आ गया सबको सॉल्व करने के बाद फोर डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करिए सिक्स इंटू एट जीरो पॉइंट जीरो फोर एट अब सॉल्व करिए जीरो पॉइंट जीरो फोर एट फिफ्टी टू आएगा सर फाइव मैं एक एक स्टेप में लूंगा ना पहला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप है करना यही है लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले हम इंटू करते हैं इसको दस वन माइनस में इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे जीरो पॉइंट सिक्स पूरे स्टेप बाय स्टेप लेने दो पहले कंफ्यूजन ना हो इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे हम जीरो पॉइंट वन माइनस में ब्रैकेट में इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो जीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो पॉइंट सिक्स इन टू में ज़ीरो पॉइंट जीरो एट सर अब आगे चलते हैं बढ़ते जाते हैं सॉल्यूशन पे इसको सॉल्व करेंगे तो दस और जीरो पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट वन इसको सॉल्व करेंगे जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर एट या फोर एट 048, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा फोर और नीचे आ जाएगा हमारा और इसको सॉल्व करेंगे तो सेवेंटी सिक्स पॉइंट नाइन टू यानी सेवेंटी सिक्स मान लो ये हो गया हमारा एक का मार्केट प्राइस ये हो गया एक का मार्केट प्राइस चलिए पे आउट रेशो एक माइनस नहीं करोगे पे आउट रेशो फॉर्मूला क्या कहता है सर ये जो है ना पी ये है वन माइनस में डीपी रेशो वन माइनस में मेरे को लग रहा है कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा एक मिनट रुक जाओ रिटेंशन रेशो वन माइनस पे आउट रेशो तो रिटेंशन रेशो वन माइनस पे आप क्या कहना चाहते हो मैं सीधा यहां फोर्टी कर दू सिक्सटी परसेंट क्यों जो ये है रिटेंशन ये सिक्सटी परसेंट है आप वन माइनस करके कह रहे हो डायरेक्ट हाँ तो वो डायरेक्ट नहीं मैं पूरा फॉर्मूले के हिसाब से पुट तो करना पड़ेगा ना इसलिए मैं कर रहा हूं आप बोल रहे हो कि सर इसको आप कर दीजिए ये कह रहे हो ना तो नहीं अभी पहले हम इसको इसके हिसाब से लेके चल रहे हैं ना अभी आगे देखना ना आगे और भी क्वेश्चन आएंगे क्या पता आपसे बी पूछ ले क्वेश्चन में अब तो पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले ये देखिए सेकेंड पॉइंट सर सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं 80 परसेंट पे 80 परसेंट पे फॉर्मूला यही रहेगा 10 और 1 माइनस में 1 माइनस में 0.8 कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं उनसे पूछेंगे अब, के ही हमारा 0.1 पॉइंट वन माइनस बी और बी क्या है रिटेंशन रेशो दैट इज वन माइनस में जीरो पॉइंट जीरो एट होगा ये नहीं जीरो पॉइंट एट ही होगा इन टू में आर आर जीरो पॉइंट ये आएगा जीरो एट इसको सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए मिनट एक सेकंड। ऑल ओवर क्या आ रहा है हमारा कितना के नाइन्टी नाइन्टी फाइव ले लेते हैं ठीक है नाइन्टी फाइव ले लेते हैं सर तीसरा पॉइंट आज एरर बहुत ज्यादा आ रहा है रिफ्रेश कर रहा हूं फिर से कुछ बच्चों को शायद ब्लर ऑप्शन आ रहा है आपका जो भी नाइन्टी फाइव आया ना ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए जो भी आंसर आ रहा है ना उसको पॉइंट के बाद या राउंड फिगर करिए या पॉइंट से पहले करिए कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड पॉइंट सर थर्ड पॉइंट आ जाइए हंड्रेड वाले का थर्ड पॉइंट हंड्रेड वाले का सर हंड्रेड वाले का एक ने बोला कि सर आप ऐसा करो कि यहां पे इन सभी को अगर ध्यान से देखो तो ये सभी बन जाता है हमारा पे आउट रीशू ये सभी बना दिया हमने क्या पे आउट रेशो क्यों ना हम यहां पे पे आउट रेशो ले ले तो मैं थर्ड क्वेश्चन उसी के हिसाब से करके दिखा देता हूं हमारा P इजिकल टू ई इंटू में पे आउट रेशो डिवाइडेड बाय के ई माइनस में बी आर सर ई कितने दस सर पे आउट रेशो कितना है जीरो पॉइंट एट के ई क्या है जीरो पॉइंट वन माइनस में बी इनटू टू में आर तो सर बी क्या आएगा सर एट्टी परसेंट है तो वन माइनस में यानी इसको पे आउट रेशो ही कह दिया वन आपका ये क्या है बी है वन माइनस में तो यानी पे आउट रेशो लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में क्या कहता है सर बी ये पे आउट रेशो नहीं चलेगा रिटेंशन रेशो आ जाएगा यानी वन माइनस में पे आउट रेशो कितना 80 में 0.8 में 0.08 मैं इसी पे चल रहा हूं सर 80 पे 80 नहीं किया ना अभी 80 हो गया सौ पे करना है चलो सौ पे तो सौ क्या है डीपी रेशो सौ कैसे जीरो कैसे हो जाएगा वन आ जाएगा सॉल्व करिए इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे आप हम्म अब ज़ीरो पे निकाल दे जीरो पे ज़ीरो ही आएगा ज़ीरो परसेंट हाँ जी देखिए जीरो वाले का आप देखिए जीरो वाले का क्या है ई वन पी कैसे निकलेगा सर बी निकलेगा वन माइनस में जीरो पॉइंट जीरो परसेंट यानी जीरो ही कर देते हैं इसको वन परसेंट तो लगा नहीं रहे तो जीरो के जीरो पॉइंट वन माइनस बी आर बी आर क्या होगा सर बी आर क्या होगा हमारा बी हमें पता चल जाएगा क्या वन माइनस में जीरो आर क्या है सर आर हमारा जीरो पॉइंट जीरो एट और यहाँ ध्यान से देखोगे तो वन माइनस वन ऊपर का पार्ट पूरा क्या हो जाना है जीरो ऊपर का पार्ट क्या हो जाना है सर जीरो दस क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो दस इंटू में जीरो आ जाना है आपका डिवाइडेड बाय नीचे जीरो पॉइंट वन माइनस में वन इंटू में जीरो पॉइंट जीरो एट तो जब ऊपर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो एक बार फटाफट से अभी देखो नो क्वेश्चन है कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है अभी क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे अब हमने क्या देखा इसके अंदर सबसे पहले हमारा आर जो है ना अगर मैं रूल देखू तो क्या कहता है सर आर हमारा लेस देन किससे है के से, आर लेस देन के से है। इस सिचुएशन में हमने डिविडेंड जीरो परसेंट दिया तो सर मार्केट प्राइस भी आपका क्या हो गया जीरो डिविडेंड जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे हमारा प्राइस बढ़ता गया वैसे हमारा प्राइस क्या होता गया बढ़ता गया तो इसके अंदर आपका डिविडेंड कम दोगे तो कम और ज्यादा यहां पे कोई ऐसा जो कि हमने पहले देखा था आ जाइए चलिए यहां एक बार चेक कर लेते हैं जो रूल लिखा था हमने यहां देखिए क्या कहता है यहां कि आपको पे आउट रेशो कितना करना है हंड्रेड परसेंट अगर आप पे आउट का मतलब डिविडेंड पूरा दे दीजिए तो आपका मार्केट प्राइस क्या होगा बढ़ जाएगा सेम वही हुआ यहां पे हमने डिविडेंड जितना कम दिया उतना हमारा कम प्राइस था देखो डिविडेंड बांटते गए प्राइस बढ़ता गया लास्ट में हंड्रेड पे हमारा प्राइस क्या रुक आके हंड्रेड अब एक बार हम क्वेश्चन में लेंगे किस पे दस पे नहीं लेंगे दस पे तो कांस्टेंट रहेगा एक बार किस पे ले लेंगे हम पंद्रह पे तो पंद्रह पे लेके देख लेते हैं सर तो पंद्रह पे लेके देखते हैं यानी के ई रहेगा दस परसेंट और ई रहेगा हमारा दस आर रहेगा पंद्रह परसेंट और पे आउट रेशो रहेगा अगेन वही सारा जीरो परसेंट चालीस परसेंट अस्सी परसेंट हंड्रेड परसेंट ठीक है यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पहला आंसर जीरो परसेंट पे देख लेते हैं सर जीरो परसेंट पे अगर हम देखें तो फॉर्मूला <laughs> कहता है पी इजिकल टू ई और वन माइनस में बी डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा के ई माइनस में पी इंटू आर दैट इज क्या है जी ये ग्रोथ रेट होता है सर ई e क्वेश्चन में दस है वन माइनस में जीरो बी आर क्या होगा सर वन माइनस में कितने परसेंट होगा वन माइनस में जीरो क्योंकि मैं पहले जीरो परसेंट का लेके कर रहा हूं यहां पे डिवाइडेड बाय सर डिवाइडेड बाय क्या करें के जीरो पॉइंट के आपका रेट क्या है बी बी आर बी क्या आएगा सर हमारा One, minus में जीरो में आर जीरो पॉइंट वन फाइव आप ध्यान से देखेंगे दस इसको सॉल्व करेंगे एक माइनस एक, एक अगेन क्या हो जाना है ये जीरो और जीरो के बाद आपका नीचे जो भी अमाउंट आता है वट एवर नीचे अमाउंट आ जाएगा वन में से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पॉइंट वन इन टू में जीरो पॉइंट वन फाइव आंसर आ गया आपका जीरो यानी यहां पे पे आउट रेशियो रखा तो जीरो आ गया अगला पॉइंट देखिए तभी मैं कंपेयर करके बता पाऊंगा सर अब देखिए पी कब वेन आपका फोर्टी परसेंट होगा तो अगेन हमारा ई e क्या है दस और हमारा वन माइनस में बी आर बी आर क्या होगा वन माइनस में पे आउट रेशो फोर्टी परसेंट जीरो पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय जीरो वन के ई माइनस में बी जीरो पॉइंट बी के लिए क्या करना होगा फिर से मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं वन माइनस में जीरो पॉइंट इन टू में आर जीरो पॉइंट वन फाइव सर अब देखिए यहां पे ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स ऊपर सॉल्व करिएगा आ जाएगा चार नीचे सॉल्व करिए सर नीचे सॉल्व करने पे क्या आएगा जीरो पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट इज क्या आया हमारा नीचे आ गया फोर डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो वन कितने आ गए चार सौ रुपए आ गया मार्केट प्राइस हमारा हमारा मार्केट प्राइस क्या आ गया चार सौ रुपए चालीस परसेंट पे चलिए अब अगला देख लेते हैं हम सर अब आ जाते हैं कौन से परसेंटेज पे अस्सी परसेंट पे एटी परसेंट पे देखा जाए तो क्या आएगा सर अगेन पी ई दस है हमारा वन माइनस में बी आर वन माइनस में बी आर क्या रहेगा सर वन माइनस में जीरो पॉइंट एट डिवाइडेड बाय के ई जीरो पॉइंट वन माइनस में फिर से बी आ जाएगा वन माइनस में जीरो पॉइंट एट इंटू में आर जीरो पॉइंट वन फाइव देखिए आर मैंने किस पे लिया है पंद्रह परसेंट पे सर ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा टू आप इसको सॉल्व करेंगे टू तो आठ आ गया ऊपर आंसर नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका तीस जीरो पॉइंट जीरो थ्री या जीरो सेवन डिवाइड हाँ, करके वन वन पस एक सौ चौदह रुपए ले लिया ठीक है कम हो गया प्राइस में वही चीज प्रूफ कुछ चीजें मुझे प्रूफ करना एक बार मैं कर लू आगे चलिए हंड्रेड परसेंट पे हंड्रेड परसेंट पे आ जाइए यानी पी इजिकल टू ई दस आ जाएगा वन आपका माइनस में वन माइनस में कितने आ जाएंगे आपका हंड्रेड परसेंट पे आउट है तो यानी क्या आएगा हंड्रेड परसेंट पे आउट में वन ठीक है नहीं हंड्रेड परसेंट पे आउट है ना ठीक है डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन माइनस में बी आर है तो वन माइनस में वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट वन फाइव अब सॉल्व करते हैं ऊपर आ जाएगा ये माइनस करके जीरो एक से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली दस रहेगा नीचे आ जाएगा आपका जीरो और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होना है इसको यहां आ गया जीरो यहां पे जैसे जैसे अब जीरो परसेंट डिविडेंड पे आंसर जीरो है चालीस परसेंट पे कितना है हमारा चार सो अस्सी परसेंट पे कितना है एक सौ चौदह और हंड्रेड परसेंट पे कितना है तो, यानी यहां पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हम कि अगर हमारा पे आउट रेशो कम रहेगा तो क्या इंपैक्ट आएगा और पे आउट रेशो ज्यादा रहेगा तो क्या इंपैक्ट आएगा पहले एक बार रूल पढ़ लेते हैं फटाफट से फिर कंपेयर कर लेंगे आपको अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा सर रूल क्या कहता है के हमेशा बड़ा होगा जी से तब हम प्रोडक्शन कर पाएंगे के ई जी और सर जी क्या है नहीं जी है बी इंटू में आर जी होता है हमारा बी इंटू में आर समझ में आई बात आपको अब हमारे पहले केस के अंदर जी क्या होगा बी इंटू में आर चलिए के ई जी होना चाहिए आ जाइए आगे यहां पे ये रूल वाला तो लगेगा हमारा हम आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन लास्ट यानी इन्होंने कहा था हमारा मॉडल कामयाब कब है आपका के ई ग्रेटर हो जाए किससे कह लो आप पी आर हमने पहला क्वेश्चन किया पहले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल सर यहां पे था हमारा मैं ये साइड में कर रहा हूं यहाँ पे सर हमारा था ए हमारा था दस और बी आर था हमारा चलिए बी आर क्या था बी आर होता है वन माइनस में जीरो पॉइंट हम पहले पॉइंट पे लेके चल रहे हैं जीरो पॉइंट क्या आप निकालिए जीरो पॉइंट परसेंट वाले का निकाल रहा हूं तो वन माइनस में जीरो आर कर लेते हैं कितना रखा था हमने आर सर यहां पे जीरो पॉइंट जीरो एट तो सर यहां पे बी आर जो आएगा वन माइनस में तो सर बी आर जीरो पॉइंट जीरो एट यहाँ पर क्या है पॉइंट वन सर के ई निकल के आया पॉइंट वन और बी आर निकल के आया जीरो पॉइंट जीरो एट फार्मूला क्या कहता है कि के ई ग्रेटर होना चाहिए किससे इससे ग्रेटर होगा तब हम डिटरमाइन कर पाएंगे तो पहले वाले केस के अंदर देखो हमारा ग्रेटर है तो पहले वाले केस के अंदर हमारा प्राइस क्या रहा कहा गया कहां गया जीरो पे तो जीरो ही है ना, सौ कहां है ना ये किसका किया मैंने हाँ जीरो परसेंट का अब देखिए दूसरे का यानी यहां पे वॉल्टर जो गॉर्डन मॉडल है यहां पे तो चल जाएगा अगले पॉइंट पे देखिए अगले पॉइंट में अगेन रिटेंशन रेशो चेंज होगा या मैं इसको सीधा बी आर को मैं कह दूं क्या नहीं बी आर को नहीं बी को हम मैं कह देता हूं यहां पे बी तो रिटेंशन रेशो हंड्रेड माइनस सीधा कर दूंगा ठीक है मैं ई हमारा है दस परसेंट जीरो पॉइंट वन और बी दूसरे केस में हमारा फोर्टी परसेंट है तो जीरो पॉइंट सिक्स ले रहा हूं सीधा और आर कितना है हमारा जीरो पॉइंट मल्टीप्लाई करिए जीरो पॉइंट सर बी आर आ गया जीरो पॉइंट जीरो फोर एट यानी इस वाले केस में अब मैक्सिमम केस हंड्रेड तक लेके चलो तो सर हमारा यहाँ पे बी आर हर बार छोटा ही आएगा हर केस में तो प्राइस का फ्लो क्या हुआ जीरो फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया और फिर बढ़ गया दूसरे वाले केसेस के अंदर जो हमने किए हैं इसके अंदर हमारा क्या आया सबसे पहले आया हमारा क्या जीरो फिर आ गया हमारा हाई फिर लो फिर लो यानी यहां पे क्या चला हमारा अपोजिट अब यहां पे अगर मैं बी आर सर यहां पे एक बार बी आर निकाल के देखो ए क्या है हमारा जीरो पॉइंट वन और बी आर अगर निकालू मैं जीरो परसेंट पे तो जीरो परसेंट पे बी आर निकालने का मतलब बी जो आएगा वो आएगा हमारा एक और इनटू में वन फाइव तो यहां पे सर क्या आ जाएगा हमारा वन पॉइंट फाइव यानी के ई हमारा किससे यानी जी से तो वोल्टर मॉडल इस वाले पे तो कामयाब हालांकि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में कभी भी नहीं पूछा जाएगा वोल्टर मॉडल सक्सेस है या नहीं है अजम्पन लेना पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बात वही आ गया जब दोनों इक्वल हो तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारे लिए इलेवेंट इनरेवेंट का मतलब होता है सर वहां पे प्राइस का कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं कोई इंपैक्ट नहीं आएगा वहां पे प्राइस का जहां पे कुछ भी नहीं है तो मैंने अभी एक तीनों क्वेश्चन करके दिखाया एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड ईपीएस आपका टेन है ईपीएस एस है ध्यान रखिए अर्निंग पर शेयर क्या है टेन है तो मतलब अर्निंग ही क्या हो गया दस रेट ऑफ रिटर्न आर दे रखा है बीस परसेंट एंड एक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर के ही दे रखा है कितने परसेंट सिक्सटी परसेंट फाइंड आउट द मार्केट प्राइस अंडर द गॉर्डन मॉडल फॉर्म ंग पे आउट रेशो अगर 50 परसेंट है पे आउट रेशो अगर 25 परसेंट है तो तो हमारा पी इजिकल टू पी इजिकल टू क्या होगा हमारा ई वन माइनस में बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस आपका बी आर यानी जी आप इसको आसान करने के लिए पहले ही जी निकाल लेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी इजीली हो जाएगा दस वन माइनस वन माइनस में यहाँ पे सर बी है पे आउट रेशो पे आउट रेशो पहले में पचास है तो जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड किससे करेंगे के ई जीरो पॉइंट क्या है हमारा वन सिक्स के ई क्या था जीरो पॉइंट वन सिक्स माइनस में बी क्या है हमारा वन माइनस में जीरो पॉइंट फाइव आर क्या है सर आर ट्वेंटी परसेंट है तो इनटू में जीरो पॉइंट टू सॉल्व करिए सर यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट फाइव ऊपर आ गया पांच नीचे क्या आएगा आपका पॉइंट फाइव इंटू में टू यानी पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स आ जाएगा ये चेक करिए सॉल्व करिए तो कितने आ गया अस्सी कितने इसका आंसर आ गया सर 83, ये आपके टेन ईयर का ही क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ इसका बी पार्ट देख लेते हैं पे आउट एशो रखें पच्चीस परसेंट तो पी इक्वल टू आपका यहां पे दस दे रखा है वन माइनस में पच्चीस परसेंट है तो वन माइनस में वन माइनस ज़ीरो पॉइंट टू डिवाइडेड बाय सर के ई के ई जीरो पॉइंट वन सिक्स माइनस में वन माइनस में ज़ीरो पॉइंट टू टू फाइव है ये टू फाइव इन टू में ज़ीरो पॉइंट टू सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा सेवन फाइव से करिए टू फाइव तो क्या आ जाएगा ढाई या पच्चीस टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा हमारा सेवन फाइव इंटू में टू पंद्रह वन पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन ना क्या आ गया बताइए दो सो तो सर सिंपल सा क्वेश्चन था सात नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया था कुछ भी नहीं बताना आपने आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पे पे, पे आउट रेशियो बताना है एक और क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहता है अगेन फॉर्मूला P इज इक्वल टू ई वन माइनस में बी ए माइनस में बी आर क्वेश्चन में ई दे रखा है कहता है कि एक कंपनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एरो पॉइंट वन वन रिटर्न आर जीरो पॉइंट वन टू कहता है अर्निंग पर शेयर ई फिफ्टीन रुपीज कैलकुलेट प्राइस पर शेयर बाय गॉर्डन मॉडल डिवाइडेड बाय पे आउट रेशो टेन परसेंट अगर पे आउट हो और थर्टी परसेंट पे आउट हो तो आपका पे आउट रेशो फर्स्ट टेन परसेंट के लिए मैं करके दिखा रहा हूं सर टेन परसेंट के लिए क्या करेंगे हम पी इज इक्वल टू हमारा ई e आएगा ई e कितना है हमारा पंद्रह माइनस में वन माइनस में वन माइनस में पे आउट रेशो टेन परसेंट जीरो पॉइंट नाइन सॉरी जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय आर आर क्या दे रखा है सर हमें जीरो पॉइंट वन टू आर दे रखा है जीरो पॉइंट वन टू आर इन में वन माइनस में जीरो पॉइंट वन इन में आपका आर आ जाएगा जीरो पॉइंट वन टू सॉल्व करिए इसको तो सर इसको माइनस करेंगे नाइन पॉइंट वन वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव आएगा ऊपर नीचे बारह नाइन एक सौ आठ दस टेन पॉइंट एट ये क्या आ रहा है हमारा बताओ जीरो पॉइंट नहीं जीरो टू तो नहीं है जीरो वन टू पॉइंट नाइन होगा पॉइंट वन टू एक सौ आठ हो जाएगा माइनस पॉइंट वन टू हाँ पॉइंट जीरो वन टू बताइए क्या आया सर पहले का आंसर आ गया एक सौ पच्चीस सेकेंड की बात करते हैं थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट में क्या है P इज इकल टू पी इजल टू फिफ्टीन पी इजिकल टू फिफ्टीन अभी मैं हर किसी का डाउट ले लूंगा p इज इकल टू फिफ्टीन फिफ्टीन में से क्या माइनस करें आपका वन माइनस में वन माइनस जीरो पॉइंट ये गलत आ रहा है क्या अच्छा अब माइनस करो क्या आएगा नीचे जीरो पॉइंट अब कितना आया चेक कर लो सात सौ चलिए जीरो पॉइंट जीरो थ्री डिवाइडेड बाय आपका जीरो पॉइंट वन वन माइनस वन माइनस में जीरो पॉइंट थ्री इन टू में जीरो पॉइंट वन टू सर ये क्या आ जाएगा अगेन करो ऊपर वाले का फोर पॉइंट फाइव डिवाइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री सिक्स क्या गया वन टू देख लेना मुझे ऊपर गलत लग रहा है हाँ ऊपर ठीक है सात इंटू में बारह पॉइंट सेवन इंटू में पॉइंट वन टू माइनस पॉइंट वन वन टू सिक्स आएगा वन सेवेंटी थ्री अ कंपनी हैज टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है टोटल एसेट्स दे रखा है हाँ एक क्वेश्चन ये देख लीजिए फिर मैं सबके डाउट ले लूंगा फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में कहता है कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिए इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स एंड पचास हजार आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर दस रुपए का एक तो यानी पांच लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 15 परसेंट ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट हैज अ पॉलिसी अब ध्यान दीजिए कंपनी का कैपिटल सर कैपिटल है पांच लाख कहता है रिटर्न जो होगा आर होगा पंद्रह परसेंट कहता है इन्वेस्टमेंट एंड हैज पॉलिसी रिटेनिंग 50 परसेंट अर्निंग यानी सर कंपनी का रिटेन करेगा 50 परसेंट तो यानी पे आउट करेगा 50 परसेंट इसका मतलब सर ये बी है आगे कहता है क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फॉर्म 10 परसेंट ई e दे दिया इसने टेन परसेंट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल एज पर द गोल्डन मॉडल प्राइस सर पी बताना है अब यहां पे मजे की बात देखो ई e नहीं दे रखा क्वेश्चन में ई e नहीं दे रखा तो ई e निकालना होगा सर ई e कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ई e. सर e ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जितने भी अर्निंग हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर तो सर अर्निंग कैसे निकलेगा इनटू कैपिटल इनटू में रेट सर कैपिटल कितने का था इनटू में रेट क्या है इस कितने आ गए पिछहत्तर हजार ई निकाल सकते हैं हम अब? सेवेंटी फाइव थाउजेंड ई क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर देखा जाए तो डिटरमाइन करने के लिए कितने हैं सर पचास हजार कितने रुपए आ गए वन पॉइंट फाइव ई आया ठीक है अगर E हमारा 1.5 आ गया तो अब क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला क्या कहता है सर P इजिकल टू ई वन माइनस में B डिवाइडेड बाय के ई माइनस में बी आर सर E क्या है 1.5? पॉइंट वन माइनस में B क्या है वन माइनस में जीरो जीरो बी तो दे ही रखा है डायरेक्ट बी पुट कर देते हैं जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय के ई क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में देखिए के ई दे रखा है हमें जीरो पॉइंट क्या दे रखा है जीरो पॉइंट फाइव इंटू में आर क्या था हमारा रेट ऑफ रिटर्न जीरो पॉइंट सर सॉल्व कर लीजिए कितने आ गए जीरो पॉइंट सेवन फाइव और डिवाइड कितने से हुआ जीरो पॉइंट जीरो कितने आ गए थर्टी आ गया आपके पास अगर टेन ईयर है तो आंसर चेक कर सकते एक और लास्ट क्वेश्चन गॉर्डन मॉडल का चेक करिए एक बार इसका आंसर ठीक है सेम क्वेश्चन है कंपनी के पास इक्विटी है ये होमवर्क में सर कंपनी के पास इक्विटी दे रखा है रिटर्न 12 परसेंट था पीछे 15 परसेंट था इन्वेस्टमेंट 50 लाख है अप्रोप्रिएट रेट 10 परसेंट है गोल्डन मॉडल के हिसाब से कंपनी ने क्या कहा डिक्लेयर करेगा डिविडेंट यहां उल्टा बोल दिया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर डी दे रखा है आपको डिविडेंट 50 परसेंट तो सर बी जो आएगा हमारा वो आएगा फिफ्टी ठीक है ना बी क्या आ जाएगा फिफ्टी परसेंट आ जाएगा अब आगे आपको ई e दे रखा है के ई e. सर के ई e दे रखा है दस परसेंट और सर आर दे रखा है बारह परसेंट दैट्स इट पहले आप क्या करोगे सर ई e फाइंड करोगे फिर हो जाएगा अब मैं सबके डाउट ले लूँ एक एक करके काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं